5 4 3 2 1। महोदय, मैं आपके यहाँ बहुत उत्सुकता के साथ इसलिए आया हूँ कि मैं अपनी आँखों से यह देख सकूँ कि यहाँ क्या क्या हो रहा है और क्या करने का विचार है। स्वागताध्यक्ष जी ने अपने भाषण में अभी दिग्दर्शन कराया कि यहाँ क्या तो आप करने जा रहे हैं, क्या क्या सरकार की ओर से किया जा रहा है और किन चीज़ों की कमी है। मैं इन सब चीज़ों के संबंध में केवल इतना ही कह सकता हूँ कि जहाँ तक मुझे मालूम है, आपकी राज्य सरकार और केंद्रीय सरकार दोनों इस बात के लिए तत्पर हैं कि आदिवासियों की उन्नति के लिए यथेष्ट और प्रत्येक संभव प्रयत्न किए जाएं। जिस समय भारत स्वतंत्र हुआ और हमको स्वतंत्र संविधान बनाने का अवसर मिला, तो हमने उस संविधान में इस बात का ध्यान रखा कि जो पिछड़े हुए लोग हैं उनको आगे बढ़ाना और दूसरों के समान स्तर पर ला देना हमारा पहला कर्तव्य है। इसीलिए संविधान में कुछ ऐसी विशेष धाराएं रखी गईं जिनके अनुसार पिछड़े हुए लोगों को आगे बढ़ाने का भार हमारे ऊपर आया। पिछड़े हुए लोगों में 3 प्रकार के लोग हैं। कुछ लोग तो वे हैं जो अछूत माने जाते हैं। अस्पृश्यता दूर करने के लिए महात्मा गांधी ने इतना बड़ा प्रयत्न किया और आज ईश्वर की दया से वह बहुत सीमा तक कम होती भी जा रही है और आशा की जाती है कि दूर हो जाएगी। दूसरे लोग जो पिछड़े हुए समझे जाते हैं, आदिम जाति के लोग हैं। ये सारे भारतवर्ष में अलग अलग स्थानों में फैले हुए हैं। विशेषकर पहाड़ी और जंगली क्षेत्रों में इनकी संख्या देश में प्रायः 2 करोड़ है। 35 करोड़ में यदि 2 करोड़ व्यक्ति इस प्रकार पीछे रह जाएं, तो वह हमें शोभा नहीं देता। उनकी उन्नति करना हमारा परमावश्यक काम है। उनके अतिरिक्त कुछ वे लोग हैं जो इन दोनों से अलग, परंतु वे भी किसी कारणवश अन्य की तुलना में पीछे हैं। इन सबके लिए हमारे संविधान में अलग अलग व्यवस्था की गई है। जहां तक आदिवासियों का प्रश्न है, उनके लिए विधानमंडलों और संसद में स्थान सुरक्षित रखे गए हैं। इन स्थानों के लिए वे अपने प्रतिनिधि चुनते हैं जो वहां जाकर उनके सुख दुख को रख सकते हैं और वहां से उनकी भलाई के लिए कुछ करवा सकते हैं। आज दिल्ली में जो संसद हैं और सभी राज्य में जो विधानमंडल हैं, उन सब के सदस्यों में आदिवासियों के प्रतिनिधि भी हैं और उनको वही अधिकार प्राप्त हैं जो और किसी दूसरे प्रतिनिधि को। इसके अतिरिक्त आदिवासियों के संबंध में, विशेषकर असम में जहां उनकी संख्या बहुत अधिक है और जो अन्य स्थानों के आदिवासियों से कुछ भिन्न भी हैं, उनको कुछ विशेष सुविधाएं दी गई हैं। अन्य स्थानों में जैसी यहां स्थिति है, उस स्थिति के अनुसार प्रबंध करने के लिए मैं समझता हूं कि आदेश दे दिए गए हैं। महोदय, गौंड लोग खेती का काम करते हैं और उन्होंने खेती के काम को भली प्रकार सीख लिया है। बैगा जाति के लोग दूसरे प्रकार से खेती करते हैं। यह एक स्थान से दूसरे स्थानों को जाते रहते हैं। एक खेत में खेती करके उसकी फसल आदि को लेकर
फिर उस खेत को जलाकर वे आगे बढ़ जाते हैं। इससे भूमि को बहुत हानि होती है, जंगल को भी हानि होती है। वे जितना परिश्रम करते हैं उसका उनको पूरा फल नहीं मिलता। सरकार ने उन लोगों को यह समझाने बुझाने का निश्चय किया है कि वहाँ कहीं एक स्थान में रहकर खेती बाड़ी करें तो उनको थोड़ी सी भूमि से ही अधिक अन्न प्राप्त हो सकता है और वे अधिक सुख से रह सकते हैं। आज सारे देश में खेती की उन्नति के लिए जहाँ तहाँ पानी का अभाव है वहाँ अधिक पानी पहुँचाने का प्रबंध किया जा रहा है। लोगों को गड्ढे खोदकर तथा उनमें कूड़ा कचरा आदि डालकर खाद तैयार करना सिखाया जा रहा है जिससे खेती की उन्नति की जा सके। लोगों को अच्छे बीज देकर अधिक उत्पादन करने के लिए प्रोत्साहन दिया जा रहा है। यह सब कुछ आदिवासियों को भी बताया जा रहा है। अभी यह सुनकर मुझे बहुत प्रसन्नता हुई है कि सरकार ने यहाँ पर 1,000 एकड़ भूमि में उनको बसाने का निश्चय किया है। उनकी हर प्रकार से सहायता की जाएगी। यों तो हम लोग खेती करते हैं और अपने तथा अपने बाल बच्चों के लिए अन्न पैदा करते हैं, पर हमारे देश के किसानों के पास बहुत थोड़ी भूमि है और थोड़ी भूमि में अधिक पैदा नहीं किया जा सकता। इसलिए सोचा यह गया है कि यदि कई किसान मिलकर अपनी खेती सामूहिक रूप से एक साथ करें तो उससे उनको अधिक लाभ होगा। मान लो कि एक किसान के पास 2 बैल हैं, परंतु उसके पास भूमि इतनी है कि वह 2 बैलों से नहीं जोती बोई जा सकती। ऐसी स्थिति में उस भूमि में खेती पूरे रूप से नहीं हो सकती, क्योंकि वह 4 बैल रख नहीं सकता और 2 बैलों से उसका काम पूरा नहीं होता। तो यदि 2 किसान परस्पर मिलजुल कर खेती करें तो उन सबकी समस्या का समाधान हो जाता है। 2 व्यक्ति मिलजुल कर खेती के आसपास पानी की भी व्यवस्था कर सकते हैं। इस प्रकार यदि कई आदमी मिलकर एक साथ खेती करें तो उनको खेती में व्यय भी कम करना पड़े और आय अधिक हो। इसलिए यहाँ सामूहिक रूप से खेती करने का प्रयास किया जा रहा है और यदि इसमें भली भांति सफल हुए तो इस चीज का औरों में भी प्रसार होगा और विशेषकर आदिवासी लोग जो अभी तक इस प्रकार खेती नहीं करते इस चीज को अधिक सरलता से सीख लेंगे और उसके अनुसार काम करेंगे। और यदि वे इस पद्धति को अपनाएंगे तो इससे उनको बहुत लाभ होगा।